वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम दो प्याज से चटनी बनाएंगे, बहुत ही मज़ेदार। स्किप मत कीजिए, एंड तक देखिए। शुरू करते हैं अभी। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मीडियम से दो प्याज लिए हैं, थोड़े बड़े होना चाहिए। अगर बड़े हैं तो दो काफ़ी है, वरना एक और मैं डाल रही हूँ। ये तीन प्याज की चटनी बनाएंगे हम। ये प्याज को हमने काट लिया है। अब हम कढ़ाई में 3 टीस्पून ऑयल डाल देंगे। इसमें डाल देंगे हम प्याज। बहुत ही मज़े की बनेगी ये, और बहुत ही कम काम है। जब हमें कोई सालन जल्दी से चाहिए तो ये बहुत आसानी से आप 2 मिनट में बना सकते हैं। और इसमें डालेंगे 7 कलियां लहसुन के और 1 टीस्पून साल्ट, कम होगा तो बाद में डालेंगे। और ये है करिया पत्ता। अब इसको हम थोड़ा सा हिलाकर छोड़ देंगे मीडियम फ्लेम में। जो कोई भी मेरा चैनल ओपन करे हैं नए से, मैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन मत भूलिए, ज़रूर बेल आइकन कर लीजिए ताकि मैं नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द आ जाए। ये चटनी बहुत ही मज़े की रहेगी और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से ये चटनी बन जाएगी और बहुत ही जल्दी बन जाएगी। स्किप मत कीजिए, एंड तक देखिए। और मीडियम फ्लेम में हम इसको छोड़ देंगे। फिर मीडियम फ्लेम में हमने पका लिया है। अब इसमें क्या क्या डालेंगे? इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी इमली और डालेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी। तो बहुत ही मज़े की रहती है चटनी। और इसमें डालेंगे 3 टीस्पून चिल्ली पाउडर, साल्ट, चिल्ली पाउडर, ये सब आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। वैसे तो चटनी थोड़ा खा रहने से ही अच्छा लगता है। अब इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे। और डालेंगे कोथिंबीर। अभी मसाले अच्छे से मिल जाए, इसको हम थोड़ा सा पका लेंगे। जब काम कुछ भी करने का दिल नहीं करा तो इस तरह ये चटनी आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। इसमें ऐड करेंगे हम 2-3 टीस्पून वाटर, पानी, ताकि मसाले अच्छे से इसके साथ मिक्स होने के लिए। अब इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। हमारी चटनी ठंडी हो गई है, इसको हम मिक्सी कर लेंगे। अब इसको अब हम मिक्सी कर लेंगे। ये हमने थोड़ा सा पानी मिलाकर चटनी डाल लिया है। अब चटनी को डालेंगे बगैर 2-3 टीस्पून ऑयल, 2 या 3। इसमें डालेंगे बगैर के दाने, जीरा, राई, माश, चना, बस 1/2 टीस्पून। अब इसमें डालेंगे 2 सूखे मिर्च और थोड़ा सा करिया पत्ता। बस अब हम ये चटनी में ऐड करेंगे। अब ये बगार हम चटनी में डाल देंगे। ये आप किसी के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। चावल,
रोटी, इडली, डोसा, किसी के साथ आप एंजॉय कर सकते हैं। चावल के साथ, घी के साथ बहुत ही मज़ा आ जाएगा आपको। ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए। मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।